सदाए हक कश्मीर न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज़ाद कश्मीर में एक ही घर से दो जनाजे उठने पर कोहराम मच गया। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर में एक ही दिन घर से दो जनाजे उठ के बाप बेटे एक साथ ट्रैफिक के अलमनाक हादसे में जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बाग हो गए। बाप बेटे की खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। इलाके की फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। बाप बेटे के जांबाक होने की खबर जब अहले खाना को मिली तो घर में कोहराम मच गया। अल्लाह पाक रमज़ान के मुकद्दस महीने में बाप बेटे को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, लवाइकीन को यह अजीम सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दे, आमीन। तफसीलात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के इलाके लिया जीप हादसा में जांबाक होने वाले बाप बेटा नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत, अजीज व अकारिब दहाड़े मार मार कर रोते रहे और एक ही घर के दो जनाजे उठने पर कोहराम मच गया। लीपा जीप हादसा में जहाँ बाप को होने वाले अफजाल हमीद वल मोहम्मद हुसैन और उनका बेटा सजाद हैदरी साकना सेंटर प्लेट की नमाज जनाजा ईदगाह में अदा की गई, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। नमाज जनाजे के बाद बाप बेटे को सुपुर्द खाक कर दिया गया। अफजाल हैदरी साबिक मेंबर असेंबली मोहतरमा गुलजार फातमा के भाई थे।